यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री एवं लोकसभा सांसद मुलायम सिंह यादव को आज रेवाड़ी पहुंचकर विराट हॉस्पिटल का उद्घाटन करना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण मुलायम सिंह यादव का कार्यक्रम रद्द हो गया और हॉस्पिटल का उद्घाटन मुलायम सिंह की बहन कुसुमलता ने किया। उद्घाटन समारोह में अंतरिक्ष ग्रुप के चेयरमैन राकेश यादव भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी छोटा शहर है और यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव रहता है, लेकिन विराट हॉस्पिटल का उन्होंने निरीक्षण किया, जिसे देखकर लगता है कि यहाँ मल्टी स्पेशलिटी सुविधा लोगों को मिलेगी। हमारे ही क्षेत्र में एक बड़ी भारी प्रॉब्लम क्या थी कि कोई कैजुअल्टी हो जाती थी तो हम जयपुर, गुड़गांव या दिल्ली ले जाते थे। आज विराट हॉस्पिटल डेवलप होने के बाद में मैंने आज विराट हॉस्पिटल का पूरा इंस्पेक्शन किया, वो पाया कि जैसे ट्रामा सेंटर इस क्षेत्र में कहीं नहीं था। NH8 आपके साथ में काफ़ी कैजुअल्टीज होती है, लोगों को काफ़ी असुविधा होती थी, काफ़ी टाइम हम लोग यहाँ महसूस करते थे, वो अच्छा ट्रामा सेंटर यहाँ सेंटर सेटअप हो। दूसरा इसके अंदर एक विशेष क्या है कि इस क्षेत्र के अंदर, हमारे इस क्षेत्र के अंदर कैंसर के काफ़ी पेशेंट हैं, जो कि कैंसर का कहीं नज़दीक कोई ट्रीटमेंट था नहीं, इसके लिए हमारे को दिल्ली या दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। आज यहाँ कैंसर का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसके साथ जो इन्होंने सेटअप तैयार किया विराट हॉस्पिटल में, मेरे को देखकर बड़ी प्रशंसा हुई कि हमारे इस क्षेत्र में आज युवा डॉक्टर इस तरह की सेटअप स्टार्ट कर दिया है। तो आने वाले टाइम में लगता है कि विराट हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह की इन्होंने फैसिलिटीज दी है, जैसे कि हार्ट के लिए जो है ऑपरेशन, और तो कैंसर, चाइल्ड के लिए जो स्पेशल नर्सरी होती है उसके अंदर लेटेस्ट सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, जापान बेस्ड कंपनी फिलिप्स है उसके सारे इक्विपमेंट्स, कैथ लैब, कोई ऐसी फैसिलिटी जो कि आज मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के अंदर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के अंदर जो फैसिलिटीज होती है, वो मेरे को एक अच्छा सेटअप नजर आया यहाँ पर। आपको हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विराट वीर यादव ने कहा कि उनका प्रयास है कि इलाके के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सस्ती दरों पर मुहैया कराई जाए, क्योंकि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए इलाके के लोगों को बड़े शहरों की तरफ भागना पड़ता था और इलाज भी काफी महंगा मिलता था, लेकिन अब विराट हॉस्पिटल में ही गंभीर बीमारियों का इलाज संभव है। ये जो विराट हॉस्पिटल जिसका आज उद्घाटन माननीय नाना जी श्री मुलायम सिंह यादव जी द्वारा होना था, खराब मौसम के कारण वो रद्द हो गया, तो उनके आदेश पर ये उद्घाटन उनकी बहन मेरी नानी श्रीमती कुसुमलता यादव ने किया है। मैं आपको बता दूं, ये एक 100 बेडेड हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में मैं वो सुविधाएं रेवाड़ी के लोगों को देने जा रहा हूं, जिसके लिए उनको गुड़गांव या जयपुर जाना पड़ता था। इस अस्पताल में 100 बेडेड हॉस्पिटल है, इसमें फुल टाइम कार्डियोलॉजी है, फुल टाइम पल्मोलॉजी है, क्रिटिकल केयर है, फुल टाइम पहली बार दक्षिण हरियाणा में ऑन्कोलॉजिस्ट हम यहाँ पे लेके आए हैं। इसमें जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, गाइनी एंड पीडियाट्रिक्स, ट्रोमा भी जल्द ही हम विद इन एन मंथ शुरू कर देंगे। इस हॉस्पिटल के लिए हमने टैगलाइन रखी है, केयरिंग एट मोस्ट, केयरिंग विद ह्यूमन टच एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। आज इस हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पे मैं लोगों को ये बता देना चाह रहा हूँ कि अब लोगों को गुड़गांव या जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे सारा इलाज मुहैया करवाया जाएगा और वो भी उचित दरों पे। रेवाड़ी में जितने भी हॉस्पिटल हैं, रेवाड़ी एक मेडिकल हब है, रेवाड़ी में खाली रेवाड़ी का पेशेंट नहीं, नारनौल, महेंद्रगढ़, कोटकासिम, टपूकड़ा, धारुहेड़ा, भिवाड़ी से भी पेशेंट आता है, लेकिन जितने भी हॉस्पिटल हैं यहाँ सिंगल स्पेशलिटीज़ हैं, या जिनके पास स्पेशलिटीज़ ज़्यादा हैं वो उनके यहाँ विजिटिंग डॉक्टर्स हैं। ये रिवाड़ी का पहला ऐसा सेंटर है जहाँ फुल टाइम कार्डियोलॉजी विद पल्मोलॉजी विद क्रिटिकल केयर विद जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक्स एंड ट्रोमा है। ऐसा कोई अस्पताल अभी तक रेवाड़ी में मौजूद नहीं है जहाँ पर इतनी सुविधाएँ हैं।
क्योंकि कैंसर का मरीज हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, जो हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स कहती हैं के रिकॉर्ड्स कहते हैं, तो उनके लिए अब गुड़गांव या जयपुर जाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ फुल टाइम ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्को सर्जरी सब कुछ यहाँ अवेलेबल है।